सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष से स्लोगन नहीं जनता के हित के लिए सहयोग की अपेक्षा की। पीएम ने कहा कि देश को जिम्मेदार विपक्ष की आवश्यकता है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने पीएम मोदी का काउंटर किया। राहुल ने संविधान का मुद्दा उठाया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहें, ड्रामा होते रहें, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। वही संसद सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होंगे, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं, हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य की के सपनों को पूरा करना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म किया जा रहा है। सौ बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे, बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना कि संविधान बचाने के लिए हम संविधान के साथ संविधान की शपथ ले रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ के लीडरशिप में, कि उनकी अगुवाई में अरुण। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना 25 जून को तो आपको इमरजेंसी याद करनी चाहिए। संविधान किसने, किसके लिए और कब बदला और क्या जनहित में बदला या अपने हित में बदला, ये कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है।
देखिए आनंद, संसद के अंदर जो आज कुछ हुआ है वो लोकसभा चुनाव 2024 का जो मोमेंटम सेट किया था विपक्ष ने उसी को आगे ले जाने के लिए हुआ है। संविधान और दलित दो ऐसे शब्द थे जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन ने खूब बातें कही। संविधान की कॉपियां लेकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रैलियों में बोलते थे, अखिलेश यादव संविधान खत्म कर देने की बीजेपी की तथाकथित मंशा के बारे में बात करते थे। तो उसी को आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो पोल पिच है उनका, ये जो वोट बैंक है उनका, जो आया है उत्तर प्रदेश में मायावती को छोड़ के दलित आए हैं संविधान के नाम पे, बाकी कॉस्ट के लोग भी आए हैं उनके पास, तो इस मोमेंटम को संसद के अंदर भी दिखाना है। और बीजेपी की ये मंशा है, उनकी ये रणनीति है कि विपक्ष ने जो कुछ नुकसान उनको किया है पिछले चुनाव में कि संविधान बदल देंगे, बीजेपी के लोग आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, उसको किसी तरह से धता बताना, उसको किसी तरह से खत्म करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री संविधान की बात कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष की जो रसाकसी है वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो संविधान, दलित या फिर संसदीय प्रक्रिया को लेकर के बातें कही गई थी उसमें और ज्यादा नुकसान न हो पाए, ये सत्ता पक्ष की मंशा है। और विपक्ष उसी पिच पर लगातार आगे बढ़ना चाहता है संसद के अंदर भी और बाहर भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान आने वाले चुनाव में। विधानसभा के चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, तैयारी तो लगभग इंडिया ब्लॉक ने अभी से शुरू कर दी उसकी। जी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा अरुण कि सत्ता के विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्या इस पर बात हो आके रुक गई है, या कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस इंडी गठबंधन में भी जैसे जैसे अब विभिन्न राज्यों के चुनाव आते हैं तो क्या संसद में जो ये एक साथ मोर्चा खोलने की बात है ये क्या बिखर जाएगा? सबका यही प्रश्न है कि इस विपक्ष की अगुवाई कौन कर रहा है, क्योंकि आज तो सब सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े थे, लेकिन क्या हमेशा खड़े रहेंगे? देखिए आनंद, तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक सुर में मांग की है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाए। संसदीय दल की बैठक में एक सुर में मांग हुई कि उनको विपक्ष का नेता बनाया जाए। ये तय कांग्रेस को करना है, इसमें विपक्ष के किसी नेता से कंसल्ट करने की उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी अपनी संख्या बल ऐसी है कि वो LOP चुन सकते हैं। अब सवाल ये है कि वैधानिकता क्या है? वैधानिकता ये है कि संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुन लिया गया है, उनको एक प्रेस रिलीज निकालनी है कि फलाकों में नेता विपक्ष लोकसभा में नियुक्त करती हूं, यह अधिकार अब उनके पास है क्योंकि वो संसदीय दल की नेता हैं। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है उनके ऊपर प्रेशर है और वो पार्टी के कई लोग हैं चाहते हैं, वेणुगोपाल की बात करिए, मणिकम टैगोर, सब लोगों ने उनसे कहा है कि कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। बीच में चर्चा चली थी कि वेणुगोपाल को बना दिया जा सकता है क्योंकि लोकसभा के सांसद हो गए, लेकिन ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो दक्षिण से मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता है, वो दक्षिण से लोकसभा में दक्षिण का नेता नहीं बनाया जा सकता। रायबरेली की सीट अगर राहुल गांधी ने रखी है तो दबाव उन पर है, उन्होंने अभी कोई इस तरह का संकेत नहीं दिया कि वो भाग रहे हैं इस जिम्मेदारी से या लेने को तैयार हैं, लेकिन उन्हीं को फैसला करना है और मुझे लगता है कुछ ही घंटे या कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। उम्मीद कांग्रेस के लोग जता रहे हैं कि राहुल गांधी इस बार नेता विपक्ष का पद लेने को मान जाएंगे। उसमें दिक्कत क्या है कि कई जगहों पर उनको प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ बैठना होगा, कई नियुक्तियों में कई डेलीगेशन के साथ उनको मीटिंग करनी पड़ेगी, हर दिन लोकसभा अध्यक्ष के साथ नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों की बैठक होती है उसमें रहना पड़ेगा, तमाम कमेटियां हैं, विदेशी डेलीगेशन आएंगे, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। जो राहुल गांधी को लोग जानते हैं उनके आसपास के लोगों का कहना बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई में उस समय अपना व्यर्थ नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको कल को प्रधानमंत्री बनना है जिसकी बात कांग्रेस के लोग कहते हैं तो क्या आपको यह प्रशासनिक अनुभव नहीं चाहिए? क्या आपको उत्तर से कोई और चॉइस हो सकती है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी से? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कैला। क्या इसमें एक सरप्राइज भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि उत्तर का ना हो लेकिन पूर्वोत्तर का हो, लेकिन राहुल गांधी जी का करीबी हो और फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को वो निभाने के लिए तत्पर रहे? बहुत सारे प्रश्न हैं, अरुण सिंह से ही इसका उत्तर भी मिलेगा कुछ ही घंटे में या कुछ दिनों में, कह रहे हैं अरुण सिंह। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संविधान के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उन्होंने संविधान के नाम पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा डाला विपक्ष पर। मुझे लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है, संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेककर मोदी साहब ने शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। उधर विपक्ष प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर भी सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष कांग्रेस के सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग कर रहा है। आपको सुनाते हैं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर खुद क्या कहा। इंडिया अलायंस स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड द इंडिया गवर्नमेंट वायलेटेड
the convention of the Lok Sabha. So far the convention was who are the MP more times elected, he will be the pro tem speaker. But they violated because Patri Mahatavi is only 7th time elected. I 8th time I was elected. They are insulting opposition again.